उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से गुरुवार को नामांकन किया। शपथ पत्र में अखिलेश ने अपनी संपत्तियों का खुलासा भी किया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की संपत्ति करीब 42 करोड़ रुपए है। इनमें से 26.66 करोड़ रुपए चल अचल संपत्ति है। बाकी संपत्ति पत्नी डिम्पल यादव के पास है। पूर्व सीएम के पास 25,61,804 रुपए नगद, जबकि पत्नी डिंपल के पास 5.72 लाख की नकदी है। पूर्व सीएम के पास पैतृक गांव सैफी और लखनऊ में करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति भी मौजूद है। वहीं चुनावी एविडेविट में अखिलेश यादव ने जानकारी दी कि उन्होंने पत्नी डिंपल यादव से 54 लाख रुपए का कर्ज भी ले रखा है। वहीं बैंक से 74 लाख रुपए का कर्ज ले रखा है, जबकि पत्नी डिंपल यादव ने भी 25 लाख रुपए का कर्ज ले रखा है। नामांकन के दौरान एफिडेविट में अखिलेश यादव ने बताया कि उनकी सालाना कमाई 84,51,000 रुपए है, जबकि पत्नी की आय 67.50 लाख रुपए है। इस आय का जरिया सांसद, विधायक के वेतन भत्ते और कृषि व्यवसाय से हो रही है। अखिलेश के पास एक भी खुद की कार नहीं है और न ही कोई जेवरात है। वहीं अखिलेश यादव के ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं चल रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को कन्नौज लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। समाजवादी पार्टी ने इसे पहले मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह को कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। अखिलेश ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा, कन्नौज से समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनता का यही ख्वाहिश थी कि वह इस सीट से चुनाव लड़े। उम्मीद है कि जनता एक बार फिर उन्हें आशीर्वाद देगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, कन्नौज की खुशबू फिर से महकेगी। उन्होंने कहा, एक पुरानी कहावत है, जब लोहा गर्म हो तो उसमें प्रहार करें। मैं सही समय पर यहां आया हूं। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी भारी अंतर से कन्नौज सीट जीतेगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा उम्मीदवार इस सीट पर जमानत जब्त हो जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अखिलेश ने कन्नौज से नामांकन की 24 साल पुरानी एक तस्वीर एक्स पर साझा की और लिखा, फिर इतिहास दोहराया जाएगा। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।